हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए इवलिन बाय जेम्स जॉयस की समरी लेके आया। इस वीडियो में मैंने ऑथर, थीम, टाइटल, समरी और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करने की कोशिश की है। आई होप ये आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। जेम्स अगस्टिन अर्सेस जॉयस, जिन्हें कि हम शॉर्ट में जेम्स जॉयस कहते हैं, वो एक आयरिश नॉवलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे और पोइट थे। वो सबसे 20वीं सेंचुरी के सबसे इम्पोर्टेंट राइटर माने जाते हैं और इनका बेस्ट वर्क है यूलिसिस, जो कि होमर की ओडिसी के पैटर्न पर लिखा हुआ वर्क है। और इसके अलावा इनका ए पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन और फिनेगन वेक बहुत ही फेमस वर्क है। स्टार्ट करते हैं। इवलिन जो है वो आयरिश राइटर जेम्स जॉयस की फर्स्ट फेमस शॉर्ट स्टोरी है 1904 में जर्नल आयरिश होमस्टेड, और बाद में इनके शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन डुबलिनर में पब्लिश हुई थी। इवलिन जब ये स्टोरी स्टार्ट होती है तो हम क्या देखते हैं कि इवलिन हिल जो है वो अपने घर की खिड़की पे बैठी है और वो बाहर सड़क की तरफ देख रही है। और फिर उसको अपना बचपन याद आता है, जिसमें वो घर के सामने एक प्लेग्राउंड था जिसमें वो खेला करती थी। अब उस प्लेग्राउंड पे नए नए घर बन गए हैं। अब इसके थॉट्स जो हैं अपने जो कई भी कभी कभी इसके फादर गुस्सा हो जाते हैं जिनके साथ ये रहती है, और फिर वो अपने फादर को अपने फादर से खुद को फ्री करने की सोचती है, क्योंकि अभी एक शॉप पे वर्क करती है और ये अपने अपने फादर के काल की एक नानी के रूप में भी काम करती है। इवलिन को बड़ी प्रॉब्लम है, उनका सबसे बड़ा डिलीमा द्वंद ये है कि वो अपने घर पर एक ड्यूटीफुल डॉटर है या वो डब्लिन को अपने फ्रेंड लवर फ्रैंक के साथ छोड़कर चली जाए, जो कि एक सेलर है। इसका लवर फ्रैंक जो है वो इसे शादी करना चाहता है और इसे ब्यूनस आयर्स लेके जाना चाहता है, और वो भी इसे सीक्रेटली इसके साथ जानने को राजी है, क्योंकि इवलिन को याद आता है कि जब इसके फादर की पहले तो इसके इसकी अच्छे फ्रेंड से फ्रैंक से कोर्टशिप चल रही थी, अच्छा रिलेशन चल रहा था, लेकिन इसके फादर ने इसको मना कर दिया और इसके बाद दोनों लवर्स जो थे वो चुपचाप मिला करते थे। अब इवलिन को अपना इवलिन क्या है, बैठी बैठी अपने डिसीजन के बारे में सोचती है। तो वो अपने उसके पास दो लेटर होते हैं, एक को वो अपने पापा को लिखती है, दूसरे अपने भाई हैरी को लिखती है। फिर वो अपने घर की पुरानी यादों में खो जाती है, जब उसकी मदर जिंदा थी और उसके भाई घर पर रहते थे, और उसने अपनी मरती मदर को ये वादा किया था कि वो घर को बनाए रखेगी, इसीलिए वो घर पर रहती है, साफ़ सफाई और खाना खुना बनाती है। पर ये उसके फादर हमेशा उससे दुर्व्यवहार नहीं करते हैं, कभी कभी उसे याद आता उसके फादर उसके लिए स्टोरी भी सुनाया करते थे। फिर उसे एक स्ट्रीट ऑर्गन, एक कोई गली में कोई माउथ ऑर्गन वाला आता है तो उसको भी उसकी माँ की याद आती है। फिर उसको याद आता किस तरह माहौल बदल गया, उसको अपने मदर की अनइवेंटफुल सैड लाइफ याद आती है। फिर वो अपनी वो सोचती है कि भी अगर मेरा भी यही जिंदगी रहेगी, अगर मैं अपनी मैं अगर फ्रैंक के साथ बाहर ना गई तो मेरी भी यही लाइफ रहेगी। अब जैसे ही वो जो टाइम नज़दीक आता है तो इवलिन क्या करती है कि वो भीड़ में वेट करती है कि कब जहाज पे फ्रैंक के साथ चढ़कर जाए। वो बड़ी टेंशन मारी लगती है क्योंकि, और वो गॉड से प्रे भी करती है क्योंकि मुझे गॉड भी मुझे डायरेक्शन दो, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो अब वो पहले जो उसने सोचा था कि भी मैं ऐसा ऐसा करूंगी, वो हो नहीं पाता है। जब बोर्ड की विसल बजती है तो फ्रैंक उसका हाथ खींचता है कि चल मेरे साथ चल, तो एवरीन मना कर देती है। हम इस पिक्चर में देख सकते हैं उसने बैरियर को कस के पकड़ लिया है, हैं और अब क्या है कि फ्रैंक तो जहाज में चला जाता है, वो जोर जोर से बोलता रहता आ जाओ आ जाओ, पर एवलिन अपनी जमीन पर रहती है इमोशनलेस, और इमोशनलेस जमीन पर ही रह जाती है, वो उसके साथ जाती नहीं है। ये जो स्टोरी है ये एक साइकोलॉजिकल स्टडी है फ्रस्ट्रेशन की। एक यंग वूमन जो कि अपने पापा की तानाशाही से तो बचना चाहती है, लेकिन और उसकी माँ की डेथ के बाद जो उसके ऊपर
जबरदस्ती परिवार की माँ बनाने की जिम्मेदारी थोप दी जाती है, क्योंकि उसको अब देखो जो काम उसकी माँ को करने थे, वो घर की देखभाल करनी थी, साफ़ सफाई करनी थी, कहीं जॉब वगैरह करनी थी, वो सारे काम इसको करने पड़ते हैं। तो उससे उसने उसने उससे भागने की कोशिश की है, लेकिन उसको ये पता चलता है जब उसको मौका मिलता है कि साहब आप यहाँ से भाग जाओ, तो उसके अंदर उसको समझ में आता है कि इस जिम्मेदारी को लेने के लिए उसमें ना हिम्मत नहीं है, उसमें ताकत नहीं है कि वो इस जिम्मेदारी को ले सके। ठीक है, अब ये जो है इस स्टोरी से हमें जब इवलिन को हम ये करते हैं, अब अपन ये भी देखते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है व्हाई वर चिल्ड्रन वरीड व्हाइल प्लेइंग इन द फील्ड, बच्चे खेलते वक्त क्यों टेंशन लेते थे। जो इसमें हम इवलिन के ब्रदर वगैरह की बात करते हैं, क्योंकि उसके फादर वॉयलेंट थे और उसलिए उनकी टेंशन रहती थी, वो जब भी लगता था कि यार कभी कोई मेरे पापा आ जाएं तो वो डांट ऊंट ना दें। और पापा ने क्या किया, इसके पापा का भी ये है कि इसके पापा ने इवलिन की मदर के मरने बाद सारी जिम्मेदारी इवलिन पे छोड़ दी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इवलिन, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ इवलिन, या व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इवलिन हैड टू टेक ओवर इन हर हाउस, घर में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो इवलिन ने प्रॉमिस किया था अपनी मदर को कि मैं टू कीप द हाउस यूनाइटेड, अपने घर को इकट्ठा रखूँगी, वो डस्टिंग करती थी, अपने छोटे भाई अर्नेस्ट और हैरी की केयर करती थी, फूड उसने फूड प्रोविजन भी उसके पास था। मिस्टर हिल और हाउ डिड मिस्टर हिल रिएक्ट टू रिलेशनशिप बिटवीन फ्रैंक एंड इवलिन, तो मिस्टर हिल जो थे वो इवलिन के फादर थे और उनकी कोई फ्रैंक के बारे में अच्छी राय नहीं थी, उनको वो कहते थे कि जो ये इटालियन सेलर होते हैं दे आर नॉट वर्थी टू बी बिलव्ड टू बी बिलीव्ड, उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ही आल्सो स्टॉप्ड इवलिन टू सी मीट फ्रैंक, उन्होंने इवलिन को भी मना किया अभी फ्रैंक से मत मिलो। एक दिन मिस्टर फ्रैंक एंड मिस हिल क्वारल्ड ओवर द मैटर ऑफ लव बिटवीन फ्रैंक एंड इवलिन, जिस दिन वो एक दिन उनकी लड़ाई भी होगी इवलिन के बारे में। इसके अलावा हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, इन व्हाट वे वाज इवलिन सिमिलर टू हर मदर, अपनी मदर के सामने कैसे सिमिलर थी। इवलिन एक वेरी ओबीडियंट गर्ल थी, उसने वो प्रॉमिस पूरा किया जो उसने अपनी मदर को किया था, अपने दोनों ब्रदर का उसने केयर रखा, उसने वो घर की उनके लिए अच्छी प्रोविजन भी करी, वो अपने फादर के जो वॉयलेंट बिहेवियर था उसको कोई ध्यान नहीं देती थी, इस तरह वो लाइक अपनी मदर की लाइक थी। डैम इटालियंस कमिंग ओवर हेयर, हु सेड दिस, व्हाट डज दिस रिफ्लेक्ट अबाउट हिज करेक्टर, ये जो लाइंस थी ये इवलिन के फादर मिस्टर हिल ने कही थी जब एक ऑर्गन प्लेयर उनके वहाँ पे बजाने आया। इवलिन की मदर सिख थी तो मिस्टर हिल ने ऑर्गन प्लेयर को कुछ पैसे दिए, तब उन्होंने ये शब्द कहे। ये शो करता है कि इवलिन के फादर फुल ऑफ प्राउड थे और वो इन लोगों को, वो पुअर लोगों के साथ इल ट्रीट करते थे। व्हाई वाज इवलिन रिव्यूइंग ऑल द फैमिली ऑब्जेक्ट एट द होम वेरी केयरफुली, इवलिन सारे घर पे जो सामान रखा था उसको बड़े ध्यान से क्यों देख रही थी, क्योंकि इवलिन जो थी वो अपने घर से दूर जा रही थी, बड़े पेंसिव मूड में थी, उसने कभी सोचा नहीं था कि अभी मैं अपनी फैमिली को छोड़कर जाऊंगी, तो सभी ऑब्जेक्ट उसके साथ फैमिलियर थे इसलिए वो उन्हें सीरियसली देख रही थी। अच्छा, अब व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी दैट कॉट द कंसिडरेशन ऑफ जेम्स जॉयस इन इवलिन, क्या क्या हमें उस सोसाइटी के बारे में पता चलता है। तो वो आप देखिए कि घर की जो सबसे बड़ी बेटी है उसको इस सारी फैमिली की जिम्मेदारी दे देते हैं, जब माँ बेटी की माँ नहीं होती है तो लेडीज को ही घर का सारा काम करना पड़ता है, घर की साफ सफाई करना, खरीदारी करना और सारे काम करने पड़ते हैं। इवलिन बड़ी बहुत बड़ी नहीं थी लेकिन उसके फादर ने कभी उसके एज पर ध्यान नहीं दिया। एक जगह पर उन्होंने कहा भी है कि वह जो कुछ भी कर रहा है वो सिर्फ उसकी मदर के हित में कर रहा है। इवलिन को परिवार के लिए कमाना भी पड़ा, पापा लापरवाह हैं, गैर जिम्मेदार हैं, धमकी भी देते हैं और अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है, उन्हें अपनी घर चलाना है, भाई बहनों का ध्यान रखना, सब कुछ करना पड़ा है। व्हाई डिड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई डिड इवलिन चूज एट लास्ट नॉट टू इलोप विद फ्रैंक, भागने क्यों नहीं सोची थी, बड़ी सॉफ्ट हार्टेड केयरिंग लड़की थी, तो उसने जो मदर को कमिटमेंट किया था
तो उस कमिटमेंट के कारण उसने ये चीज़ सोची थी कि भी मैं अपने फादर को अपने उसको छोड़कर नहीं जाऊंगी। और ये जो है ना वो जो उसका वो मॉरल आइडियाज़ थे उसकी ताकत ने उसे इस तरह से जाने के लिए रोका। और जो मॉरल आइडियाज़ हैं वो हमारे अंदर से आते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे शेयर लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।